तो वो एक बार जीते थे पैसा, उनको भी मिला था 50 लाख रुपया, सब एक करोड़ रुपया जो फर्स्ट प्राइज मिले। इधर देख सकते हैं भाई, इधर माल अगर पैक हो रहा है। पुल टूट चुका था तो इसके बाद ये वाला न्यू पुल बनाया गया। बहुत बड़ा खुशखबरी है, अपना लोडिंग होना चालू भी हो चुका है। छोटे से मैंने टिटनेस का इंजेक्शन ले लिया है हमारा गाड़ी में भाई, अभी करेला कुंदरू। सो हेलो एवरीवन, फिर स्वागत करते हैं आप सबका एक और न्यू वीडियो में। तो भाई हो चुका है सुबह आप सबको भाई, गुड मॉर्निंग। तो भाई पिछले वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा हम लोगों ने पुरुलिया अगर क्रॉस कर लिया था रात को ही, लेकिन भाई अभी भी गड़बत्ता पहुंच नहीं पाए। रात को भाई अच्छा खासा वाला नींद आने लगा था। तो हमारा गाड़ी इधर, भाई साहब का गाड़ी इधर, और वो पीछे हमारे बिहारी भाई साहब गाड़ी है। तो तीनों गाड़ी एक साथ लगा के मस्त सो गए थे। ये भाई ढाबा, और ढाबा वाला पता है कहाँ का है? ढाबा वाला यूपी का है। ढाबा वाला मतलब इनका जो घर है ये बलिया जिला में पड़ता है, वो बंगाल में ढाबा वगैरह बनाए हुए हैं। तो फिलहाल देख सकते हैं इधर का लोकेशन। तो फिलहाल इस वीडियो को इनसे कंटिन्यू करते हैं। चैनल पर अगर नया तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबके पास टाइम से पहुंच सके। तो फिलहाल अभी जा रहे हैं चाय पियेंगे, चाय पीने के बाद भाई फ्रेश अगर होंगे, फ्रेश अगर होने के बाद फिर निकलेंगे गड़बत्ता के लिए। अभी हमें पता नहीं कि भाई आज का हमारा लोडिंग कंफर्म है या फिर कल लोडिंग कंफर्म है, जैसा भी होता है आप लोगों को पता चलता रहेगा। तो फिलहाल वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर तो सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका भाई आप लोगों के लिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज लेके आता रहेगा। तो देख सकते हैं ट्रक वाले भाई लोग काफ़ी ज़्यादा इधर लगा के रात को सोए रहते हैं, क्योंकि कैमरा अगर लगा हुआ है मस्त, कोई टेंशन का बात नहीं है। हमने देखा भाई इतना ज़्यादा कैमरा लगा के रखे हैं होटल वाला, मतलब एक सामान आपका इधर से उधर हो नहीं सकता, क्योंकि भाई हमारे यूपी के ढाबा है, ठीक है। और ये देखिए भाई सरिया का लोडिंग है गाड़ी में, दोनों गाड़ी में सरिया लोडिंग है। बाकी बहुत ज़्यादा गाड़ी तो रात को निकल चुका है, तो हम पीछे वाले रास्ते से जाए चलते हैं भाई, चाय अगर पियेंगे, चाय पीने के बाद फिर सफ़र कंटिन्यू करेंगे। तो फिलहाल भाई सुबह सुबह अपना चाय लग चुका है, ये देख सकते हैं चाय। और पता है ये भाई ढाबा वाला जो है ना, ये हमारे उत्तर प्रदेश के बलिया जिला से हैं, तो यहाँ पे भाई ढाबा वगैरह खोल के रखे हैं। और ऐसा नहीं कि ढाबा, बहुत अच्छा फैसिलिटी भी देते हैं भाई, पीछे कैमरा वगैरह लगा हुआ है, बहुत ज़्यादा गाड़ी वाले हैं, और टाइम से कितने बजे गाड़ी वाले को जगाना होता है वो भी लिखते हैं ना, गाड़ी वाले को जगा देते हैं टाइम से। तो भाई मान लीजिए कोई खाना खाता है ट्रक वाले भाई, तो उसको 4 बजे भोर में जाना हो, ठीक है, तो यहाँ पे टाइम लिखा जाता है, गाड़ी का नंबर देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, और टाइम लिखा जाता है कितने बजे कितने ड्राइवर को कौन सा गाड़ी को वाले को जगाना है। तो फिलहाल अच्छा लगा भैया भाई साहब शांति से बैठे हुए आराम से। तो ये भैया का दुकान, मतलब पीछे भाई बहुत बड़ा है, अंदर पार्किंग अगर अच्छा खासा है, इधर लगा हुआ है चटाई, अगर आराम से सो भी सकते हैं। ये देखो भाई बाथरूम का व्यवस्था, नहाने धोने का व्यवस्था भी मस्त वाला भैया बना के रखे हुए हैं। चाय अगर अपना हो चुका, एक बोतल मैंने ठंडा पानी ले लिया है। ठंडा पानी भाई फिल्टर में डालने से ना ये जो ठंडा पानी है गर्म नहीं होगा, इसको भाई रख देंगे फिल्टर के अंदर में खोल के, तो ये पूरा दिन भर नहीं 24 घंटा ठंडा रहेगा। और अभी गाड़ी अगर चालू कर दी है, भैया का भी गाड़ी चालू हो गया, पीछे का गाड़ी चालू हो गया, तो फिलहाल अभी हम लोग उड़ने के लिए तैयार है। उड़ के कहाँ जाएंगे बताए? गड़बत्ता, उसका देखते हैं कि लोडिंग आज होता है या कल होता है, बताते हैं आप लोग को। पहले इधर से निकलते हैं, नहीं तो भैया गुस्सा है, बोले जल्दी निकलो जल्दी निकलो। चलिए निकलते हैं भैया, ठीक ठीक चलते हैं, चल तुरंत चल रहे हैं, पानी पी लीजिए।
वो भाई वो वाला पुल टूट चुका था, तो इसके बाद ये वाला न्यू पुल बनाया गया है, वो हमको दिख रहा है यहाँ से, देख सकते हैं पर। तो भाई पुल टूट चुका था, उसके बाद फिर ये वाला न्यू पुल लगता है बनाया गया है। कोई नहीं, अच्छा हो गया, जो भी हुआ अच्छा हुआ भाई। और एक चीज देखिए, बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है, आंटी अंकल दोनों हेलमेट पहन के जा रहे हैं, तो ये चीज बहुत ज्यादा अच्छा है भाई, क्योंकि सेफ्टी का पूरा भाई ध्यान रखे हुए हैं। आंटी को देखिए किस तरीके से बैठी हुई है, और अंकल भी आराम से अपना चला रहे हैं दोनों लोग, लेकिन भाई हेलमेट पहने हुए हैं, देख सकते हैं। तो ऐसे ही भाई जो हेलमेट नहीं पहनते हैं उनको आप बोलिए, ठीक है, हम बोल रहे हैं भाई, बोलिए उनको आप, हेलमेट लगाने से भी अपना सेफ्टी रहेगा। जैसे ही भाई 10 लोग बोलना चालू कर देगा ना, तो उनको अंदर से लगेगा भाई, यदि महसूस होने लगेगा तो भाई हेलमेट पहन सकता है। तो भाई फाइनली ये मेन रोड पता नहीं कहाँ निकलेगा, लेकिन भाई हम लोगों ने ये गाड़ी घुमाया अंदर साइड, मेन रोड भाई अब छोड़ दिए हैं। ये कौन सा ग्राम है यार, कोई ग्राम है। तो भाई धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं अंदर की तरफ, हमें लगता है कि भाई हम लोग गढ़वेता पहुंच गए हैं क्या। हाँ भाई ये देखिए लिखा हुआ है गढ़वेता पुलिस स्टेशन। तो भाई हम लोग फाइनली गढ़वेता पहुंच चुके हैं, तो ये भाई कुछ गढ़वेता का नज़ारा देख सकते हैं आप लोग। और जे जे भाई एक घंटे के गढ़वेता के वीडियो देखो तो प्लीज कमेंट करवा। और ये देखो भाई ये गढ़वेता पुलिस स्टेशन यहाँ पे है ये। बहुत इंतजार के बाद इंतजार खत्म हुआ, देख सकते हैं आ चुके हैं गढ़वेता मंडी में। तो ये कानपुर का गाड़ी है और ये यूपीएससी शायद कहाँ का, आगरा का है क्या यूपीएससी, कमेंट करिए लिली इसको, मतलब नहीं पता। और ये भाई देखिए UP 83, ये देखिए भाई गुजरात का गाड़ी है। तो ये भाई यहाँ से माल भर के जाएगा, बहुत दूर दूर से गाड़ियाँ आई भाई गाड़ी लोडिंग करने के लिए यहाँ पे। बाकी बहुत सारा पिकअप है, बहुत गाड़ियाँ हैं, और हम लोगों को गाड़ी उधर लगाना है। वो देखिए हमारे भाई साहब गाड़ी घुमा रहे हैं, टाटा जेनॉन, उसी के साथ में लगाएंगे आसपास में गाड़ी, देखते हैं आज लोडिंग होता है कि कल लोडिंग होता है। लोडिंग होगा पहले तुरंत आप लोगों को खुशखबरी बताएंगे। तो फिलहाल भाई गढ़वेता मंडी तो पहुंच चुके हैं, इधर देख सकते हैं भाई इधर माल अगर पैक हो रहा है। ईटा के बोले भाई बोटी बांग्ला थे, और अपने बनारस में बोलते हैं बोड़ा, और आपके इधर क्या बोलते हैं इसको जरूर कमेंट करिएगा। ये भाई ये शायद फेंकना है इसको, क्योंकि बड़ा वाला हो गया है, फिर या तो खाने के लिए लेबर लोग लेके जाएंगे। देखिए ये वाला है, ये सही वाला सही बोटी, ये है छोटा दाना वाला। तो इधर पैकिंग चल रहा है, और ये सभी बोटी है देख सकते हैं इधर। तो भाई फिलहाल बहुत बड़ा खुशखबरी है, अपना लोडिंग भाई फाइनली कंफर्म हो चुका है। लोडिंग को लेके बहुत ज़्यादा हम डर रहे थे कि आज मेरा गाड़ी लोडिंग होगा, या फिर कल लोडिंग होगा, या फिर परसों लोडिंग होगा। तो फाइनली भाई आज के दिन में अपना गाड़ी लोडिंग हो रहा है। ऑप्शन आप लोगों को देते हैं चार जगह का, एक है बनारस, एक है गाजीपुर, और एक जौनपुर, एक आजमगढ़। तो आप लोग गेस करके बताइए कि कौन सा मंडी हम जा रहे होंगे। तो फिलहाल अभी जा रहे हैं गाड़ी को लोडिंग करने के लिए। फिलहाल अभी खाली कैरेट मेरे गाड़ी में लोडिंग हुआ, हमको भी नहीं पता कैरेट में क्या चीज़ लोडिंग करना है, तो जैसा भी होता है आप लोगों को बताते हैं। तो फिलहाल भाई अखन जाची जल खबर खेते, मतलब भाई बांग्ला बोले दिलम तुम्हारे के। तो फिलहाल जा रहे हैं सुबह का नाश्ता करने के लिए, वहाँ पे मुड़ी अंडा ये सब बिक रहा है। तो जैसा भी होता है कहाँ जाना है वो आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में पता चलेगा। तो नेक्स्ट वीडियो भाई बहुत ही ज़्यादा ढांसू आने वाले हैं, अपने भाषा है, मतलब बहुत ही ज़्यादा सुपर आने वाले हैं कि नेक्स्ट वीडियो में हम कहाँ पे जा रहे हैं, कौन से मंडी जा रहे हैं गाड़ी को लोडिंग करवाने के बाद। की बोल चो दुकान में लगा दें कुछ जल खाओगे क्या? अच्छा ठीक है। तो ये हमारे पार्टी हैं, ये बोल रहे हैं कि भाई पहले गाड़ी जाके लगाइए हमारे गद्दी पे, मतलब कैरेट तो लोडिंग करवा चुके, उसके बाद फिर बाद में आप आके नाश्ता कर लीजिएगा। तो बता दे रहे हैं पहले से ही कि आपको नेक्स्ट वीडियो बताएंगे कि हम कौन सा मंडी जा रहे हैं। फिलहाल अभी गाड़ी को जाना है लोडिंग करवाने के लिए, लोडिंग अगर करवाएंगे उसके बाद फिर मिलते हैं आप लोगों से। लोडिंग होना चालू भी हो चुका है देख सकते हैं इसमें। तो देखिए अच्छा उच्चे अच्छे की, तो इसमें भाई करेला है लोडिंग। तो ये देखिए भाई भाई लोग लोडिंग कर रहे हैं, और वो देखो भाई जाली, मतलब वो जो है ना चटाई, जेटा के हमारा बांग्ला देखिए बोले चटाई के, चटाई बोले ना हाँ। तो ये भाई क्या बोलते हैं, होगला होगला। तो ये भाई होगला है, चटाई इसको बोलते हैं। तो ये ऊपर से जब ढकता है ना, तब लगता है भाई हाँ भाई बंगाल से गाड़ी छूटा है, अब एक्सप्रेस की तरह निकलने वाला है। तो फिलहाल लोडिंग चालू हो चुका है, अपना लोडिंग पता नहीं कहाँ से होगा, यहाँ से होगा कि आगे से होगा, जैसा बोलते बताते हैं आप लोगों को धीरे धीरे करके। तो ये हमारे भाई साहब इधर व्यापारी साहब से अपने बात कर रहे हैं, दादा बोला चो तो हमारे ये व्यापारी साहब हैं, इन्हीं का माल लोड कर रहे हैं आज। तो ये भैया हमको दिलवाएं भाड़ा तो फिलहाल लोडिंग चालू हो चुका है, देखते हैं कब तक लोडिंग होता है और कब तक हम लोग गाड़ी छूटता है। जैसे कि बताया आप लोगों को, आपको नेक्स्ट वीडियो में पता चलेगा कि हम कौन सा मंडी जाने वाले हैं। इस वीडियो में नहीं बताएंगे, इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ लोडिंग दिखाएंगे आप लोगों की, कहां से क्या क्या लोडिंग हो रहा है, किस तरीके का लोडिंग हो रहा है, कैसे रास्ता तिरपाल हो रहा है, सब कुछ आपको डिटेल में बताने वाले हैं। तो फिलहाल भाई मंडी का गेट पास भी आ चुका अपने पास में, ये देख सकते हैं भाई कुछ बंगाली में भी लिखा हुआ है, बंगाली में नहीं लिखा यार,
इंग्लिश में लिखा हुआ है, हम बंगाली बोल रहे हैं। तो ये महंगा नहीं है, बस 10 रुपए का लीजिए, 10 टका। तो ये भाई साहब पर्चा काट रहे हैं, देख सकते हैं पूरे गाड़ी वाले का, मतलब ये इसका 10 रुपए लगता है, बड़ा गाड़ी का 50 रुपए, ट्रक का 50 रुपए ना। चलिए ठीक है। तो भाई अभी एक भाई साहब आए थे, हमको पर्चा देके गए, लाल कलर का देखा आप लोगों ने, इसका मैंने 10 रुपए दिया। तो ये क्या चीज का था दादा, ये क्या चीज का है? गेट पास, हाँ भूल गए हम। तो ये गेट पास है, और ये देख सकते हैं भाई पार्किंग है, ये अपना पार्किंग, इसका 20 रुपए लगता है। तो दो बार आपको पर्ची कटवाना पड़ेगा। ये एक लोग काटता तो सही नहीं होता, एक लोग 30 रुपए लेता दो लोग का ड्यूटी लगाए ना, दूसरा आदमी है। अच्छा अच्छा, दो लोग का ड्यूटी यहाँ पे लगाए। चलिए ठीक है। तो भाई अभी थोड़ा बहुत माल अपने गाड़ी में लोडिंग हो चुका है, अभी हम लोग जा रहे हैं दूसरे पॉइंट पे लोडिंग करने के लिए, मतलब अभी मंडी में है। अभी ये भाई गड़बत्ता मंडी, गड़बत्ता मंडी से हम गए 20 से 22 किलोमीटर और आगे जाना है, मतलब रानीगंज वाले रोड पे, उधर ही से गाड़ी लोडिंग करना है पूरा फुल। तो सामान अगर जितना भी था पूरा गाड़ी में लोडिंग हो चुका है, उधर जाके मतलब उतरेगा, खाली कैरेट उतर जाएगा, फिर भरा हुआ कैरेट गाड़ी में लोडिंग करना है। उसके बाद जो ऊपर चटाई वगैरह बिछाते हैं ना, वो सब अपने गाड़ी में लोडिंग हो चुका है, मतलब पूरा व्यवस्था ही लोग लेके जा रहे हैं, उधर ही गाड़ी को लोडिंग करके उधर ही से छोड़ देंगे। तो फिलहाल चलते हैं जहां पे लोडिंग करना है। तो इधर भाई साहब बैठ गए हैं, भाई साहब को लेके जा रहे हैं, पीछे भी कोई और है क्या? नहीं। और अकेले आप कैसे लोडिंग करवाएंगे, वहां पे है लेबर? चलिए तब ठीक है फिर। तो भाई ये देख सकते हैं इतना सारा भाई बाहर का सब गाड़ी है यूपी का, जैसे कि आप लोगों को बताया एंट्री करते टाइम ही बताया। ये सब कब लोड होगा दादा? दोपहर में होगा, कुंदरू लोड होगा। तो दोपहर में कुंदरू आता है क्या? अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है। तो फिलहाल भाई मंडी से बाहर निकल आए, ये गड़बत्ता मंडी है ना? गड़बत्ता मंडी। अच्छा अच्छा, तो फिलहाल रोड पे निकल आए हैं, इधर से हमको किधर जाना, राइट की लेफ्ट? राइट साइड ना। तो भाई ये है गड़बत्ता का मार्केट, हम लोग मतलब गांव से निकल के मेन रोड पे आ चुके हैं, मंडी से निकल के मेन रोड पे आ चुके हैं। पीछे था मेन मार्केट और ये भाई हाईवे है, ये सीधा भाई रानीगंज निकल जाएगा, मतलब दिल्ली कोलकाता रोड, फिर वहां से आप जहां चाहे जा सकते हैं, पुरुलिया भी निकल जाएगा। तो फिलहाल हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, मतलब हम लोग को इसी रोड पे जाना है गाड़ी को अपना लोडिंग करने के लिए। भाई हमें एक इंजेक्शन भी लगवाना था, क्योंकि मेरा ना कल हाथ कट गया है, तो हमें एक टिटनेस का सुई लगवाना है। अब यहाँ पे डॉक्टर हॉस्पिटल तो था बहुत बड़ा, लेकिन अब टाइम नहीं कि रोक के इंजेक्शन लगवाएं। हम सोचे भाई कहीं पे अगर छोटा मोटा कोई डॉक्टर होगा जो रोड पे बैठता हो ना, जैसे रोज जो क्लिनिक हो वो भी लगा देते हैं, लेकिन कहीं मिल नहीं रहे। अगर मिलता तो जरूर लगाते हैं, देखते हैं आगे जहाँ पे जा रहे हैं गाड़ी को लोडिंग करने के लिए, अगर उधर मिलेगा ना डॉक्टर तो जरूर हम इंजेक्शन लगवा लेंगे पहले, क्योंकि मम्मी गुस्सा कर रही है, मम्मी बोलेगी जल्दी से लगवा लो बेटा, नहीं तो दिक्कत कर सकता है ना भाई, क्योंकि लोहा से कटा है, कैची पूरा पूरा अंदर घुस गया था भाई हाथ के अंदर। फिलहाल भाई मेडिकल स्टोर से मैंने टिटनेस का इंजेक्शन ले लिया है, भाई इसको फ्रिज में साथ रखा जाता है, ठंडा है फ्रिज में। तो फिलहाल बगल में डॉक्टर है, हम जा रहे हैं डॉक्टर से, पहले ये काम जरूरी है भाई। मम्मी बार बार गुस्सा कर रही है, बोला कि बेटा बाद में पक जाएगा तो दिक्कत करेगा, और पहले अभी बताए दवा ले सकते हैं, लेकिन दवा हम नहीं ले रहे हैं, पहले इंजेक्शन लगवा लेंगे, उसके बाद फिर जब हम बनारस पहुंचेंगे ना तो इसका सूखने के लिए अलग से इसका दवा लेंगे, क्योंकि भाई सूखने वाला जो दवा होता है ना तो हार्ड होता है, कहीं नींद अगर आने लगे दिक्कत होने लगेगा। तो चलिए फिलहाल डॉक्टर साहब के पास पहुँच चुके हैं। सर सुई लगाना था टिटनेस का, लग जाएगा? इंजेक्शन लगाना चलो ले जाओ लगा दो, मेडिकल वाला बढ़ा लो मेडिकल स्टोर देखे अबे ना। तो फिलहाल डॉक्टर साहब मना कर रहे हैं, बोला कि नहीं हो पाएगा, देखते हैं कहीं आगे कोई डॉक्टर मिलेगा तो लगवा लेंगे इसको। ले लिया मैंने, आपको टेंशन नहीं, कहीं पे भी लगवा लेंगे। इस सुई लगवा रहे हैं, डॉक्टर साहब तैयार हो गए, मतलब उनको ना अच्छे समझ में नहीं आया, इसीलिए पहले बोले कि नहीं लगाएंगे, फिर उनको बताया कि भाई हमारा ये यहाँ पे देख सकते हैं कैची घुस गया था, फिर ये टिटनेस का सुई लगाना, जब इनको पूरी बात बताएं बोला कि ठीक है लगा देते हैं बेटा। तो ये देखिए अभी निकाल रहे हैं, फिलहाल लगवाते हैं भाई, अब काफ़ी दर्द होने वाला लगता है। अच्छा बैठ जा रहे हैं यार, पता सुई से डर लगता है, भाई लग गया फाइनली अपना सुई। पता है अभी भी बचपन वाला ही हरकत है अपना यार, पता है इंजेक्शन से बहुत ज़्यादा डर लगता है मुझे, मतलब अंदर जब होता है ना, जब घुसाया जाता है सुई को, बहुत ही ज़्यादा डर लगता है, किनकिनाता है ना, मतलब अलग तरीके का फीलिंग है ये। अरे कतो दे अपना के पूरी टका, ठीक है। तो फिलहाल देते हैं डॉक्टर साहब को पैसा, फिर निकलते इधर से। अभी जो टेंशन था माइंड में ना वो अपना दूर हो चुका है, इंजेक्शन फाइनली अपना लग चुका, अब जा रहे भाई लोडिंग करने गाड़ी को लेकर। फिलहाल भाई हम दूसरे लोडिंग पॉइंट पे पहुंच चुके हैं अपना, और ये हमारे संदीप भी आए, संदीप भी अभी जा रही है दूसरे जगह लोडिंग करने के लिए, मतलब टोटल क्या बताइए? हाँ ठीक है, सब्जी ठीक।
तो इनका भाई गड़बत्ता से लोडिंग हुआ और यहाँ से लोडिंग हुआ और इसके बाद जाएंगे यहाँ से 20 किलोमीटर आगे मतलब पुरुलिया वाले रोड पे, वहाँ से लोडिंग होगा इनका गाड़ी, तो फुल वहीं से हो जाएगा। तो फिलहाल हमारा गाड़ी में भाई अभी करेला, कुंदरू और ये देखिए चाचा जी का दुकान है ये चाचा जी का दुकान है और इन्हीं का पूरा ये माल है। तो ये देख सकते भाई करेला इधर है और ओटा की बोले सोरला बोले होपा बोले गाने, तो वो भाई होपा देख सकते उधर होपा भी आप लोगों को दिखाते हैं। ये देखो भाई ये होपा है, अपने यूपी का भी होपा नहीं निकलना चालू हुआ है। और इधर बॉडबोटी और इधर करेला, तो करेला भाई अपने गाड़ी में लोडिंग होने वाला है। तो अभी करेला इधर देख सकते हैं भरारी हो रहा है मतलब भर रहे हैं कैरेट में। और ये कुंदरू देख सकते हैं भाई, ये देखो कुंदरू भाई एकदम ताज़ा कुंदरू है। तो ये सब अपने गाड़ी में आज लोडिंग होने वाला है। तो सुबह से भाई मैंने अभी तक नाश्ता करा नहीं किया, अभी जा रहे हम गाड़ी को इधर ही साइड में लगा देंगे, लोडिंग ये लोग करते रहेंगे और हम जाएंगे आगे नाश्ता करके आएंगे। तो फिलहाल पहले गाड़ी को इधर लगाते हैं साइड में, जा रहे हैं ठंडा पानी खरीदने के लिए और नाश्ता करने के लिए। गाड़ी को तो भाई साइड में लगा दिया है, अभी मेरे गाड़ी का जो माल है वो कैरेट में भरा रहा है, कुछ देर बाद लोडिंग चालू भी हो जाएगा। तब तक भाई नाश्ता कर लेते हैं, नाश्ता करा करके फिर से जाएंगे अपने गाड़ी में मस्त बैठेंगे। अभी भी नहाए धोए नहीं, कल से ही नहीं नहाए हैं, देखेंगे अगर टाइम मिलेगा ना तो नहा भी लेंगे रास्ते में होटल में, मतलब 5 मिनट तो लगते हैं भाई, शरीर में सिर्फ पानी डालना है। तो देख रहे हैं कहाँ नाश्ता मिलेगा, नाश्ता करते फिर निकलते हैं। तो भाई टाइम इतना ज़्यादा हो चुका है ना, नाश्ता भी खत्म हो गया है, मतलब हम सोचे थे घुगनी मुड़ी खाएंगे, अंडा ऑमलेट अगर खाएंगे नाश्ते में, तो सब कुछ खत्म हो चुका है। अभी जा रहे हैं दूसरे दुकान पे, देखते हैं कुछ रसगुल्ला अगर खाएंगे और पानी पियेंगे। तो भाई साहब निकाल रहे हैं पकौड़ा, लेकिन पकौड़ा आपको नहीं खाना, अभी अगर आलू चप रहता तो आलू चप मुड़ी खाते, लेकिन भाई नहीं है। अरे यार यहाँ पानी की व्यवस्था, सोच रहे यहीं पर नहा ले गया। अच्छा यहाँ नहा सकते सर, पीछे नहा सकते हैं, इसमें पानी आता है ना। तो भाई एक बढ़िया व्यवस्था मिल चुका है, जब तक गाड़ी लोडिंग होगा ना तब तक आके मस्त इधर नहा भी लेंगे। तो चलिए पहले देखते हैं कुछ खा लेते हैं, उसके बाद फिर आएंगे इधर, बाल्टी अपने पास है, टेंशन लेना नहीं हमको, तो आएंगे इधर नहा लेंगे। ठीक है, नहाने के बाद शांति दिमाग से गाड़ी को लेके जाएंगे। 2 से 3 दुकान घूम लिया, नाश्ता अगर कहीं मिल नहीं रहा, नाश्ता खत्म हो चुका है। तो ये देख सकते हैं भाई क्या चीज़ लोडिंग हो रहा है, बताइए आप लोग। ये भाई थाली, मतलब इसमें खाना खिलाया जाता है, देख सकते हैं ये पत्ता वाला है, तो ये गाड़ी में लोडिंग हो रहा है। देखते भाई इधर से भी करेला वगैरह देखिए भरा रहा है, मतलब सब अलग अलग गद्दी यहाँ पे है। इधर देखिए ये है, क्या बोलते हैं इसको, थाली वही है, सेम चीज़ है। तो हम यहाँ से लेंगे केला खाएंगे, उसके बाद फिर नहाएंगे। कहाँ गया दुकान वाले भैया, कोथा गए लो, क्यों नहीं की तू चेंज, पैसा नहीं हमारे कैसे पैसा चेंज नहीं, कोला खावा कोला अच्छा दाड़ो कोला वाला आश्रे दो दिखे हाँ। केला खरीद लिया ये कहाँ बेंगोल का किला है, बेंगोल का है, कहाँ का, बाहर का, नदिया, तो नदिया तो कोलकाता में ही पड़ता है ना, तब फिर इसलिए टेस्ट कोलकाता वाला लग रहा है, इसलिए मैंने आपसे पूछा टेस्ट, इसका टेस्ट फुल होगा। हाँ हाँ, जो कीड़ा वाला केला बेचता है, हाँ हाँ, पानी का नहीं है, नहीं हर केला का अलग अलग टेस्ट होता है, इसका भी टेस्ट सही है, हाँ इसीलिए बोल रहे हैं। तो भाई केला वगैरह खाने के बाद अपने गाड़ी की तरफ जा रहे थे, अभी सबसे पहले नहाएंगे ठीक है, और गाड़ी की तरफ जा ही रहे थे। ये देखो भाई टिकट है, ये सरकारी हो गया ना अभी बंगाल में, हाँ तो ये सरकारी। अच्छा दादा कौतगोर मतलब बेटा है किरकोम खेला, इटा कैसे खेलते हैं ये, हम इतना दिन से आ रहे हैं हमको समझ में नहीं आता कैसे खेला जाता है। हाँ एक करोड़ रुपया जो फर्स्ट प्राइज मिले, फर्स्ट प्राइज वाले को, तो कैसे पता चलता है कि मतलब जीता, कौन जीता, ये लिस्ट है, तो सुने कि ऑनलाइन भी चेक होता है, ऑनलाइन भी फोन में भी चेक कर सकते हैं कौन जीत रहा है कौन नहीं जीत रहा है। अच्छा अच्छा, तो जे जीते जावे जीतर पर पछाड़ा को दे के पावे, काउंटर कोथाय, अच्छा अच्छा, तो ये कत करे पाव जाए टिकट गुलो, 30 টাকা 60 টাকা, अच्छा में 30, तो भाई 30 रुपए का टिकट है, या फिर और कितने का बताए हैं, 30 रुपया, छोटा का पीस, अच्छा छोटा का पीस, तो ये एक पीस का दाम 6 रुपया, एक पीस का ना, एक पता, अच्छा एक एक ये कितने का टोटल, ये कितना रुपए का, 150 रुपए का। अच्छा मतलब कभी कोई जीता है कि नहीं आपके यहाँ से लेके, जीता है कोई, कितना कितना रुपए तक मिला है लास्ट, ज्यादा से ज्यादा तक, पाँच पाता के लिए 600 रुपया, अच्छा ये 600 रुपये मिला है किसी को, अच्छा अच्छा, मतलब ज्यादा से ज्यादा किसी का निकला है पैसा यहाँ पे, 45, अच्छा वहाँ पे 1 करोड़ रुपए मिला है, ये सही बात है, अच्छा ओ भाई, तो भाई 1 करोड़ रुपया भी यहाँ पे आदमी जीत चुका है,
वाह भाई, मतलब किस्मत किस्मत लक का बात है, लक का बात है ना दादा, जिसका लक सही हो गया उसको मिल गया क्या। तो भाई हम नहीं कहेंगे कि मतलब ये सब खेलिए, लेकिन रिक्सी है, मतलब जीत भी सकते हैं नहीं भी जीत सकते हैं। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ के लोग खेलते हैं, भरोसा करते हैं, लेकिन कभी कभी मिलता है। एक बार हमारे साथ क्या हो गया, बड़े पापा मेरे बर्धमान में उनका घर है, ठीक है, तो वो एक बार जीते थे पैसा, उनको भी मिला था 50 लाख रुपया समथिंग, तो वो अपना ट्रक वगैरह लिए, तो फिर उनका ट्रक एक बार साथ लड़ गया, मतलब ज्यादा उनसे बातचीत नहीं होता है, तो वो भी अच्छा खासा मतलब पैसा कमाया था, सोचे 50 लाख रुपया उनको मिला था यही लॉटरी खेल के। तो किस्मत किस्मत का बात है, जिसको मिल गया वो धनीदार हो गया, बंगला में बोले कि भाई धोनी मानुस होएगा ना कि, और जो नहीं मिला, जिसको नहीं मिला उसका 150 रुपया बर्बाद हो जाएगा। तो गरीब आदमी तो भाई मत लगाइए पैसा, हम तो यही बोलेंगे, क्योंकि जो रिक्शा चलाने वाले हैं, टोटो चलाने वाले हैं, उसके लिए ये गेम नहीं है। जो रोज का 1000-2000 कमा रहे हैं वो भाई खरीद सकते हैं, अपना आके आराम से खेल सकते हैं, सही बोल रहे हैं ना। गरीब आदमी रोज का लगाएगा फालतू चला जाएगा उसका पैसा। तो फिलहाल हम जा रहे हैं अपने गाड़ी के पास में, अभी नहाना है, उसके बाद फिर गाड़ी में जाके मस्त बैठेंगे शांति से। ये देखिए भाई गाड़ी लोडिंग हो रहा है, मतलब हमारा गाड़ी नहीं, हमारा गाड़ी उधर है, ये बंगाल की गाड़ी है, ये देखो भाई, ये देखिए लोडिंग कर रहे हैं। तो ये बंगाल के पहलवान है। चलिए लोडिंग करिए, चलिए ठीक है। तो भाई बाल्टी मैंने ले लिया, अभी जा रहे हैं पानी की तरफ, बाल्टी तो इधर है, पानी के पास जाएंगे तभी नहा पाएंगे। धूप देख रहे हो भाई, बंगाल में इतना पेड़ पौधा लगा हुआ है ना, इतना पेड़ पौधा लगा हुआ है, इतना अच्छा लग रहा देख के, उसके बावजूद इतना गर्मी है, सोच सकते हैं आप लोग। इसीलिए बोलते हैं भाई हर लोगों को पेड़ पौधा लगा के रखना चाहिए, ताकि गर्मी होने के बावजूद भी थोड़ा सा राहत मिलेगा ना यार। तो हर कोई भाई पेड़ लगाओ, पेड़ लगाने से भाई बहुत फायदा है। तो भाई नहा धो लिया मस्त, और अभी अपना गाड़ी लोडिंग चालू भी हो चुका है। तो फिलहाल भाई इस वीडियो को एंड करते हैं, आई होप कि आप सबको मिलकर इस वीडियो को एंजॉय किए होंगे। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके जाना है, चैनल पे नया तो सब्सक्राइब करके जाना है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबको टाइम से पहुंच सके। तो मिलते हैं एक अलग वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो भी बहुत ही ज्यादा शानदार आने वाले हैं, क्योंकि आप लोगों को ये तो बताया नहीं, क्योंकि मुझे पता भी नहीं है कि गाड़ी को लोडिंग करके जा कहाँ रहा है आखिर, तो आपको ये भी पता चलेगा नेक्स्ट वीडियो में। और यहाँ का हर एक चीज बताने वाले हैं भाई, और रोड पे कहाँ पे कितना पैसा लग रहा है, क्या हो रहा है, मेरा भाड़ा कितना लग रहा है, वो आपको सब कुछ नेक्स्ट वीडियो में पता चलेगा। तब तक मिलते हैं अलग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, लव यू गाइस। ऐसे प्यार मोहब्बत सपोर्ट बनाए रखिएगा, क्योंकि आपका भाई ऐसे मेहनत करेगा और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस आप लोगों को लेकर आता रहेगा। तो मिलते हैं एक अलग वीडियो में, अभी तक इंस्टाग्राम फॉलो नहीं, इंस्टाग्राम फॉलो, इंस्टा आईडी है बुद्धा देव 3772 इंस्टा आईडी है मेरा, जाके जल्दी फॉलो कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।